हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी अंकिता राते और आज के जीएसटी अपडेट की वीडियो में हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट वर्सेस सीजीएसटी एक्ट 2017। तो ये सारे के सारे चेंजेस हम हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के जो अमेंडमेंट हुए हैं, हम सेक्शन वाइज सेक्शन प्रीवियस लॉ यानी कि सीजीएसटी लॉ के अंदर क्या था और सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या हो गया, वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जो भी प्रॉपर रिजोल्यूशन होगा उसको देने की आपको कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। है सेक्शन 24 की, सेक्शन 24 जिसके अंदर लिखा गया था बिफोर सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट सीबीईसी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इसका नाम रखा गया था, लेकिन अब इसे चेंज करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम कर दिया गया है जो कि इफेक्टिव होगा हो गया है आपका फर्स्ट डे ऑफ फरवरी 2019। जैसे कि हम सब जानते हैं और मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट के सारे लॉ जो अमेंडेड हुए हैं वो सारे के सारे सेक्शन आपके एप्लीकेबल हो गए हैं फर्स्ट फरवरी से, लेकिन इसके अंदर कुछ एक सेक्शंस ऐसे हैं जो आपके फर्स्ट फरवरी से एप्लीकेबल नहीं हुए हैं और वो जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तभी से आपके एप्लीकेबल होंगे। जिस वीडियो का लिंक मैंने आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। साथ ही आई बटन पर लिंक किया गया मेरा वीडियो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम आगे और अब हम बात करेंगे सेक्शन 24 की फिर से, जिसके अंदर आपका चेंज किया गया है जो वर्ड है और फिगर्स है द एपेलेंट अथॉरिटी एंड एपेलेंट ट्रिब्यूनल इसको चेंज किया गया है और इसमें लिखा गया है कि जो एपेलेंट अथॉरिटी एंड वर्ड को यहाँ पे रिमूव किया गया है, लिखा गया द एपेलेंट अथॉरिटी कॉमा appellant tribunal and the authority referred in subsection 2 of section 171. तो ये हुआ है आपके amendment, यहाँ पे जो appellant authority का जो area है, scope है, उसको यहाँ पे increase कर दिया गया है CGST amendment act से। अब हम बात करते हैं हमारे section 2 subsection है हमारे next section की, जो कि है हमारा section 2 का सबसेक्शन 17, उसके क्लॉज एच को चेंज किया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं सीजीएसटी एक्ट 2017 का जो सेक्शन 2 है उसका सबसेक्शन 17 रिलेट करता है बिजनेस से। इसके अंदर दी गई है बिजनेस की डेफिनेशन कि बिजनेस की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि कोई भी ट्रेड है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो इंक्लूड करता है जो इंसिडेंटल है बिजनेस एक्टिविटी से, तो वो सारा आपका यहाँ पे बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा। कोई भी क्लब है, एसोसिएशन है या कोई सोसाइटी है तो वो सारा का सारा बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा। तो ऐसे करके इसके अंदर जो है पॉइंट आई तक यहाँ पे बिजनेस की डेफिनेशन के वेरियस सोर्सेस बताए गए हैं। तो इसका जो पॉइंट एच है जो रिलेट करता है रेस क्लब का, तो इसमें चेंज किया गया है जो कि सर्विस प्रोवाइड होती है बाय ए रेस क्लब बाय वे ऑफ टोटली सेटर और लाइसेंस ऑफ ए बुक मेकर इन सच क्लब, तो उसको यहाँ पे चेंज किया गया है और एक्सपेंड किया गया है और भी ज़्यादा इसमें। और इसमें लिखा गया है कि जो एक्टिविटीज है यहाँ पे वर्ड सर्विस को इंक्लूड ना करके यहाँ पे वर्ड को इंक्लूड किया है एक्टिविटीज ऑफ ए रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटली सेटर और ए लाइसेंस टू
bookmaker or activity of a licensed bookmaker in such club. तो यहाँ पे ये नए words जो हैं वो insert किए गए हैं जिसके अंदर license plus जो activities of a licensed bookmaker वो भी यहाँ पे include किया गया है. अब हम बात करते हैं हमारे next section की जो कि है हमारा section 2 subsection 18. Subsection 18 के अंदर जो है business vertical की definition थी जिसके अंदर लिखा गया था कि कोई भी component किसी भी enterprise का अगर engaged है या involved है individual goods की supply में, goods और service की supply में, तो यहाँ पे जो है वो अगर earn करता है risk और return, risk उसको subject to जो risk है और जो return earn करता है वो different होता है दूसरे business vertical से. तो business vertical के according GST के अंदर जो है वो registration था. तो इसका जो ये section clause 18 है वो पूरा का पूरा जो है यहाँ पे subsection पूरा का पूरा हटा दिया है government ने CGST amendment act से. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सर्विस जो कि आती है हमारी सेक्शन 2 सबसेक्शन 102. तो सबसेक्शन 102 है वो रिलेट करता है हमारे सर्विस. देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि है हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 जो कि हमारे रिलेट करता है सर्विस की डेफिनेशन से. तो सीजीएसटी एक्ट 2017 बात करता है सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटी. तो जो गुड्स के अलावा, मनी के अलावा और सिक्योरिटीज के अलावा जो भी है वो सारी की सारी चीज़ें जो है सर्विस के अंदर कवर्ड होगी. बट इसके अंदर जो है इंक्लूड ऐसी सर्विस जो कि रिलेटेड है यूज़ ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाई कैश और बाई एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच. यहाँ से ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी गई है फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज. तो जो सेपरेट कंसिडरेशन इसमें चार्ज होता है तो वो पूरा का पूरा आपका सर्विस के डेफिनेशन में आ जाएगा. तो अब देखते हैं आफ्टर सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 क्या चेंज हुआ है. तो इसके अंदर लिखा गया है सर्विस इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज ऑल्सो इंक्लूड्स इन द सर्विस डेफिनेशन. यानी कि पहले तो बोला गया था मनी के लिए, मनी के लिए अगर कोई भी वन फॉर्म से, करेंसी से, डिनोमिनेशन से दूसरी चीज के अंदर जो दूसरी करेंसी है डिनोमिनेशन में चेंज होता है तो वो आपका यहाँ पे इंक्लूड करेगा सर्विस की डेफिनेशन में. अब बोला गया है सिक्योरिटीज के लिए कि अगर सिक्योरिटीज के लिए कोई भी अरेंजमेंट होता है, फैसिलिटेशन होता है तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे सर्विस में कवर्ड होगा. तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन जो कि है हमारा सेक्शन 7. सेक्शन 7 जो हमारा रिलेट करता है सप्लाई की डेफिनेशन से. तो सप्लाई की डेफिनेशन सीजीएसटी एक्ट 2000 नेक्स्ट सेक्शन की जो कि है सेक्शन 7 सीजीएसटी एक्ट का. सीजीएसटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के अंदर नया चेंज आया है, नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है जो कि है 1A ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7. सेक्शन 7 जो है हमारा कम्प्लीटली रिलेट करता है सप्लाई की डेफिनेशन से. सप्लाई की डेफिनेशन बताया गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ होगी, कौन सा ऐसा एक्टिविटी होगी जिसको माना जाएगा सप्लाई, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की हो. तो इसके अंदर लिखा गया है जहाँ वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 इट शैल बी ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई और सप्लाई ऑफ सर्विस एज रेफर्ड इन शेड्यूल 2. तो उनमें या तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा जो शेड्यूल 2 के अंदर रेफर्ड है. अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की
जो कि है सेक्शन 9 और उसका सबसेक्शन 4। जो सेक्शन 9 है वो रिलेट करता है हमारे आरसीएम से, तो सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर क्या प्रोविजन था, वो था कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से किसी भी तरह की सप्लाई लेता है, सर्विस लेता है, तो वो जो है यहाँ पे गुड्स और सप्लाई के रिलेशन में एज अ रिसिपिएंट वो पे करेगा टैक्स रिवर्स चार्ज के अंदर। तो इसका मैंने कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो में इसका डिस्कशन कर रखा है, तो जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और साथ ही यहाँ पे आई बटन पे भी लिंक कर दिया है, आप वहाँ से जाके भी इसे देख सकते हैं। और ये हुआ है आपका अमेंडमेंट, जिसके अंदर जो आरसीएम का डर है वो कम्प्लीटली आपका ख़त्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। और जब गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी आपकी पूरी सर्विसेज, तो वो आरसीएम तब लगेगा आपका सेक्शन 9(4) का। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है हमारा सेक्शन 10। और सेक्शन 10 हमारे रिलेट करता है कंपोजिशन स्कीम को, और इसके अंदर नया जो चेंज आया है वो आया है जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो लिमिट यहाँ पे इंक्रीज कर दी है गवर्नमेंट ने। पहले थी एक्ट के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट वो थी 1 करोड़ रुपीस, जिसे बढ़ा के गवर्नमेंट ने यहाँ पे 1.5 करोड़ कर दिया है। साथ ही जो कंपोजिशन लेवी है वो पहले थी सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स पे, सप्लाई ऑफ सर्विस पे कोई भी कंपोजिशन स्कीम नहीं थी अवेलेबल, लेकिन अब उसे गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है और कहा है अगर कोई भी कंपोजिशन टैक्स पेयर सप्लाई करता है सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, तो यहाँ पे जो ये इसका बेनिफिट है वो रेस्टोरेंट सर्विस वालों को नहीं दिया गया है, अप टू ए वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे दो कंडीशंस है जिसमें से अगर एक कंडीशन आपकी फुलफिल होती है और उसमें से हायर रहती है तो वो लिमिट तक आप जो है कंपोजिट टैक्स पेयर सप्लाई कर सकता है सप्लाई ऑफ सर्विस। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 की, सबसेक्शन 2A, वो बात करता है हमारा इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिसके अंदर है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय ए सप्लायर और लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31 टू इशू इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई। ये था ओल्ड लॉ और जिसे न्यू लॉ से कन्वर्ट किया गया है और लिखा गया है कि जो सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में लिखा गया है वर्ड द सबसेक्शन 1 उसको यहाँ पे ओमिट किया गया है, इसका एरिया भी यहाँ पे कम्प्लीटली इंक्रीज कर दिया है। अब पूरा का पूरा जो सेक्शन 31 है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 की। इस वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं, आगे मिलेंगे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, कंपैरेटिव के साथ, और भी नए जो चेंज आए हैं सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट के। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए औरों के साथ ताकि उनको भी इस कंपैरेटिव का बेनिफिट मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।